सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स ऑफिशियली डे वन इन कोल्हापुर एंड आई एम ऑल सेट. कोल्हापुर. कोल्हापुर इज अ हिस्टोरिक सिटी इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो फॉर मी कोल्हापुर मीन्स कोल्हापुरी साज, द एंशियंट आर्किटेक्चर, द ओल्ड एंड ब्यूटिफुल पैलेसेस. कोल्हापुर हैज सो इनक्रेडिबल ब्यूटी इन इट, ऑल्सो विद हिस्टोरिक टेम्पल्स. फॉर मी कोल्हापुर मीन्स कोल्हापुरी मिसळ, कोल्हापुरी चप्पल्स एंड मेनी मोर सच थिंग. सो लेट मी टेक यू ऑल टू दिस ब्यूटिफुल सिटी थ्रू माई आईज. होप यू ऑल विल लाइक इट. हेलो एवरीवन, हम आए हैं अभी ऊपर के सीट पर और यहाँ पे साफ सफाई चल रही है. गो सैनिटाइजर, गो करो ना, गो पीछे का जुगाड़ करते हैं ना. एक मिनट थांबो. दैट्स हाउ वी आर डूइंग अरेंजमेंट. जुगाड़ कर रहे हैं. छत्रपति शाहू महाराष्ट्र टर्मिनस. सो अभी हम लोग स्टे के लिए आए हैं महालक्ष्मी टेम्पल के पास में. ये केदार लिंग लॉज और हम लोग का होटल जो रूम देख सकते हैं. रूम टूर दे देती हूँ. ये हो गया इधर आड़वा. प्रीटी गुड, थोड़ा डिसेंट है. हम लोग को ये 800 में मिला है. यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग होगा और बाजू में डबल होगा. यहाँ पे 3 बॉयज सोएंगे और उधर हम 2 गर्ल्स. एंड अच्छा है रूम. मतलब मेन क्या है बेनिफिट कि जो महालक्ष्मी का जो टेंपल का गेट है ना वो यहाँ पे ही है. सो 2 दिन के लिए हमें ज़्यादा घूमना है तो वो बेटर है. दिस रूम क्लीन है, वॉशरूम वगैरह भी अच्छा है. तो इफ़ यू आर कमिंग हियर यू कैन चेक दिस आउट. थोड़े डिस्काउंट वगैरह दिया है तो इट्स नाइस. So hi guys and welcome back to our channel and it's officially day one in Kolhapur and I'm all set. और अभी हम निकल चुके हैं explore करने के लिए. तो first destination होगा न्यू पैलेस. तो अभी हम यहाँ से ऑटो से जाना पड़ेगा, बट उसके पहले पेट पूजा इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे. मार्केट में घूम रहे, कैरियर मास्क और थोड़ा गर्मी होगा इसलिए लाइट कपड़ा ही पहनो. मेरे जैकेट पहनना पड़ा है बिकॉज दी गाउन मेरा फट चुका है और मैंने फाड़ दिया है इसलिए. अदरवाइज आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल सेट. अभी हम खाना खाने जा रहे हैं. अच्छा खासा मिसर्ड है तो कुछ तो देख लेंगे एंड आपको भी बताती हूँ. अगर अच्छा होगा तो आपको रिकमेंड करूँ. सो राइट ना अभी हम यहाँ पे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए मिसर्ड और देखते क्या ऑर्डर करेंगे. सो कमिंग इन कोल्हापुर एंड नॉट हैविंग मिसर्ड हो ही नहीं सकता. सो मिसर्ड और स्पेशल यहाँ पे पाव मतलब ब्रेड मिलते हैं और ये इडली वड़ा और इडली सांभर. अभी ये टेस्ट करेंगे. जो है ना थोड़ा स्वीट है, ब्रेड भी स्वीट है, मिसर भी स्वीट है. इडली अच्छा था एंड अभी आप पे ट्राई करेंगे. ऑब्वियसली आप पे भी अच्छे होंगे बट देखते हैं. कल ब्रेकफास्ट के लिए कोई अलग स्पॉट ढूंढूंगी जहाँ पे मिसर स्पाइसी प्रॉपर मिले. अभी के लिए तो ये खाना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी और नियर बाय ये इसलिए खा रही हूँ. अभी आफ्टरनून में कुछ मस्त खाने वाली हूँ तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट वी डायरेक्टली हेडेड टूवर्ड्स दिस न्यू पैलेस, शाहू महाराज पैलेस. दिस इज अ ह्यूज एंट्रेंस गेट ऑफ द पैलेस एंड एट द राइट साइड यू विल फाइंड अ टिकट काउंटर. एज यू कैन सी ये गेट है. ये गेट से लेफ्ट में टिकट काउंटर था जो मैंने दिखाया वीडियो में और स्ट्रेट आगे पैलेस है तो बहुत चलना है. हम ऑटो से आए थे तो अभी आगे स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है. अभी भी ऑटो से ही जाएंगे. सो वी आर एट न्यू पैलेस म्यूजियम.
तो यहाँ पे जो शाहू महाराज है उनके रेसिडेंस था यहाँ पे, तो ओवरऑल मैं आपको दिखाती हूँ आर्किटेक्चर वगैरह। इट्स फेमस फॉर आर्किटेक्चर जो पुराने स्टाइल में है, और बेसिकली देखा जाए तो ये रोमन स्टाइल में है थोड़ा, तो इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको ठीक से बताती हूँ। So like I said earlier, this place will surely take you back to the old era when there was a great freedom fighters of our Maharashtra, the great warriors, the great Chhatrapati Shahu Maharaj, the great Chhatrapati Shivaji Maharaj, and right now this is the only living palace in Maharashtra. So yes, this beautiful architecture is an Indian architecture built in a black polished stone. It took like 7 years to complete this whole thing. Right now, the ground floor is made a museum for a people like us to visit and see the artifact which they were using during the wars. And the first floor is still a resident of the members of Shahu Maharaj. So this vibe is completely different over here. Oh, I just visited this palace. मतलब अंदर से देखा ये palace, और मैं क्या बोलूँ यार, मेरे I am speechless actually, because ये palace जितना अंदर से सुंदर है ना, और इधर आके ऐसा लग रहा है कि मैं past में हूँ कि present में हूँ, और अपना जो हिस्ट्री था महाराष्ट्र का, मराठा एम्पायर का, इतना सुंदर था पूरा अंदर से बताया। ऑब्वियसली अंदर कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे, ये जो हमारे ग्रेट वॉरियर्स थे उनके सब, मतलब एक्चुअली ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसको म्यूज़ियम बनाया है, और फर्स्ट फ्लोर जो उनका रेसिडेंस था, तो अभी म्यूज़ियम में सब कुछ आर्टिफैक्ट्स जितने भी हैं म्यूज़ियम के, एनिमल्स के साथ उनके वेपन्स सब कुछ है, और देखने में वहाँ पे जाके ना इतना एक एक पॉइंट में ना गूज़बम्स आते हैं, और लिटरली मुझे तो हर एक पॉइंट पे आया था। मतलब उनके चेयर्स सब कुछ, उनके आउटफिट्स जो महाराज पहनते थे, शाहू महाराज पहनते थे, सब कुछ है, सब डिटेल्स दिया है, फ़ोटो गैलरी भी है, पेंटिंग्स है, इतने सुंदर सुंदर ह्यूज पेंटिंग्स है, और सबसे ज़्यादा तो वो जो दरबार होता है महाराज का, वो दरबार, हाँ हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था कि मैं मौंजलिका के पीरियड में आई हूँ। ऊपर से मैंने गाउन पहना है, तो मुझे लगा था आई एम एज लाइक अ मौंजलिका और अ प्रिंसेस, और मैं अकेली घूम रही थी क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग बहुत पीछे थे, मैं आगे आगे गई थी, एंड मैं अकेली घूम रही थी पागल जैसे, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक अ मौंजलिका और एनी प्रिंसेस। बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत सुंदर है, एंड इज़ अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। और इसका आउटसाइड का भी जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत सुंदर, जैसे आपने वीडियो में भी देखा, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, मैं यही बोलूँगी। और आप ज़रूर यहाँ पे आना, ताकि आपको हमारी अपनी सबकी ही जो हिस्ट्री है उससे वो जो ना करीब से आप देख सकोगे जितना सब हुआ था, मराठा एम्पायर, महाराष्ट्र, एवरीथिंग बहुत सुंदर है। Monsoon or rainfall welcomed us. Wow. So it was raining heavily और ये peacock मस्त गा रहे थे, और अभी हमारे ऑटो वाले अंकल ने बताया कि इधर ही थे peacock, और हम लोग ने देखा नहीं, इतना टाइम से टाइम पास कर रहे थे, बट स्टिल बहुत सारे अदर है, ऑस्ट्रिच है और डियर है, हरिन, और पीकॉक नाही दिस गेला तो। सो अभी हम आए हैं सेंट्रल जे कोल्हापुर का गेट पे, इट्स अमेजिंग, और यहाँ पे सलमान को हम अंदर डालने वाले हैं, और शशांक को भी, और हम नहीं जाने वाले, थैंक यू काका। सो दिस इज द गेट, मस्त है ना गेट है, जब ये जो वॉल है ना अंदर, उसके पीछे जेल है, और यहाँ पे सभा होती थी, मीटिंग्स वगैरह, बट अभी ये साइलेंट जोन करके बोल दिया है। अभी ना हम ये होटल आए हैं, होटल गुरु स्वामी, बहुत अच्छा होटल है वेज खाने के लिए, तो वेज नॉन वेज बहुत है एक्चुअली, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं इसका लोकेशन जो है एक आपको कॉमन बता देती हूँ, कि अंबाबाई का जो गेट दिखाया था मैंने ना, उसके पार्किंग के अंदर से गली से आना है। किसी को भी पूछ लोगे तो गुरु स्वामी होटल आपको गूगल मैप पर डाल दोगे तो मिल जाएगा। बाकी मैं आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ, हाउ इज इट फ्रॉम इनसाइड। Thank you.
लॉस्ट बिकॉज हमें शशांक ने घुमा दिया है, बट स्टिल वी आर एंजॉइंग वॉकिंग क्योंकि अब भी है हम कोल्हापुर की गलियों में. सो मला हे घर खूप आवडतात जी अशी प्रॉपर ओल्ड स्टाईल आहे, यू कॅन सी दिस. आणि कोल्हापूरमध्ये आहे तर माझं मराठी निघणारच आहे, सो प्लीज कॉपरेट विथ दॅट. पीछे है रंकाळा लेक, द रंकाळा लेक एंड और परफेक्ट सनसेट के टाइम आई हूँ. सलमान आए हैं और बाकी सब लोग होटल में ही है इसलिए हम लोग आए, बिकॉज मुझे सनसेट मिस नहीं करना होता है, आपको पता है. एंड यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट ओवर हियर. एंड ये लेक के बारे में क्या बताएं यार, इट्स सिमिलर टू मरीन लाइन्स, मतलब उसका नेकलेस भी देखो नेकलेस है. एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अर्थक्वेक बेसिकली. सो यस, इट इज़ अ मेन स्पॉट इन कोल्हापुर. Found this amazing stall named Basundi Chaha. So whenever you are near Rankala Talab or whenever you are in Kolhapur, do try this chaha. It's amazing in taste. Though I am not a chai lover person, so I had this water from a copper glass. It is also an amazing and pure. Yeah, so we day end karna rahe. Bhook tar agli nahi hai. Good morning, and it's day 2 in Kolhapur. Or abhi baj gaye hai 4. Yes, 4. Hame अभी महालक्ष्मी टेम्पल जाना है. तो लकीली हमने रात को ई पास बुक किया था. सो आपको यहाँ पे आने के लिए ई पास बुक करना है, कोई भी टेम्पल आने के लिए, ज्योतिबा हो, महालक्ष्मी हो, ठीक है, तिरुपति हो, जो भी है, आपको कहाँ पे जाना होगा अभी ई पास है कंपलसरी. तो हमें लकीली 4 to 5 का ही मिला, कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं था बिकॉज बाकी सब फुल हुए थे. और कल परसों के हम लोग के डे थोड़े शेड्यूल्ड है, तो आज ही हम लोग को महालक्ष्मी टेम्पल करना था. और सबसे पहला जब भी मंदिर ओपन होने वाला है वो हम दर्शन करने वाले हैं. सो वी आर डैम हैप्पी, लकी एंड एक्साइटेड फॉर दिस थिंग, बिकॉज हमें ना ओटी वगैरह भी भरनी है. तो हमारे होटल से कुछ 5-10 minutes का ही महालक्ष्मी टेम्पल का वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो हम अभी जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं. रेडी तो हो गए, अभी 2-3 लोग का फ्रेशन अप बाकी है. सो आपको शिवाजी चौक जाना होगा दर्शन के लाइन के लिए, जहाँ पे आपको ई पास चेक करके आपको लाइन में छोड़ देते हैं. जैसे देख सकते हो अभी हम महालक्ष्मी देवी अंबाबाई देवी के मंदिर के सामने हैं. तो ये जो है यहाँ पे महालक्ष्मी अंबाबाई देवी की पूजा की जाती है और 2000 साल पुराना मंदिर है ये, अति भव्य मंदिर है. तो यह कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ में से एक महान शक्तिपीठ है. और यहाँ पे अंदर जो अंबाबाई की जो सुंदर प्रतिमा है ना, वो आपको प्रसन्न कर देगी. और कहते हैं कि कोल्हापुर में आ रहे हो तो पहले दर्शन करके ही अपना सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए. फाइनली दर्शन हो गया और 45 मिनट्स में ही हो गया. ई पास लिया ना था इसे और हम लोगों ने बहुत अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट लिया था, तो 45 मिनट्स में हो गया. एंड बहुत बोलते ना सब प्रसन्न हुआ है मन देख के, मतलब देखते तो नहीं मिला, बहुत जल्दी जल्दी घाई घाई कर दे, रुकाते भी नहीं है 5 मिनट, बट स्टिल 5 सेकेंड मिला, 5 सेकेंड भी नहीं रुकाते, बट स्टिल अभी हो गया दर्शन, आ गया इतना, इट्स नाइस. गुड मॉर्निंग, और अभी बजे है 10:30. हम लोग चेंज करके वापस निकले हैं, अभी ज्योतिबा जाएंगे, पनाड़ा जाएंगे. तो आज का बेसिक ये शेड्यूल है, ज्योतिबा, पनाड़ा और कनेरी. ऑटो बुक किए, जो हमारे घर ऑटो वाले अंकल थे ना, उनको ही पूरे दिन के लिए बुक किए बिकॉज वो बहुत कन्वीनियंट थे और अच्छे भी हैं. तो लेट्स अभी और कुछ ऑफबीट प्लेसेस भी दिखा सकते हैं, होगा तो फिर आपको दिखा दूँगी. अभी डायरेक्टली ज्योतिबा मिलने के बाद आपको दिखा.
सो ज्योतिपा का जो टेम्पल है ना वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, एक घाट पे है, माउंटेन पे है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एसटी लेके आ सकते हो, लोकल एसटी, लोकल बस, नहीं तो ऑटो से, नहीं तो कोई कार से आ सकते हो। बस ये नज़ारे जो है वो मिस ना करना, बहुत सुंदर है। ज्योतिबाचं नाव ना सांग भलं। तो अभी हम है कोल्हापुर के एक देवस्थान ज्योतिबा के मंदिर के सामने। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण है और यहाँ पे शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है पुराने सालों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मिलके रत्नासुर राक्षस का यहाँ पे वध किया था। तो यहाँ पे पूर्णिमा की रात बहुत बड़ा उत्सव होता है और कोल्हापुर में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सुंदर है, पालकी आई है, हम लोग का टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू कैन सी। हम ये पार्थना होटल है, मार्केट में नियर बाई है, गूगल पे डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। राइट नाउ वी आर एट का नाउ कनेरी मठ, जो फेमस है, देख खूब सारे जो गार्डन सर्कल है, केव्स भर है, खूब सारे म्यूजियम टाइप है, आने का है शंकर टेम्पल है। आता एक एक करून तुम्हाला स्पॉट दाखवते, खूप मोठं आहे ॲक्च्युली, 1.5 hours समथिंग इट विल टेक टू कवर ऑल ऑफ दिस। देखो ना, यू कैन सी योर ऑल्सो। सो जैसे आप देख सकते हो अभी हमें कनेरी मठ में, जिसे सिद्धगिरी मठ, सिद्धगिरी म्यूजियम भी कहा जाता है, तो ये एक पुराने स्टाइल का आश्रम बनाया है, एक टाउनशिप है, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक हज़ारों साल पुरानी शिव का मंदिर भी है और उसके ही सामने आपको 42 फीट की एक शिव की मूर्ति दिखेगी, जो यहाँ का मेन स्पॉट है विजिट करने के लिए। और यहाँ पे आप अच्छे से आपका फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा स्पॉट है कोल्हापुर में। महादेव का मंदिर है, तो बहुत सुंदर लग रहे बाहर से। म्यूजियम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिटी कोल्हापुर सिटी से ना एक ऑटो बुक करो, जैसे हम लोग ने किया, नहीं तो बसेस वगैरह भी अवेलेबल है, जो बसेस यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट मोस्टली आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 hour की कुछ तो जर्नी है, इसलिए आप अपना पर्सनल ऑटो, मतलब 5-6 ग्रुप होगा तो ऑटो करके आओ, जैसे हम लोग आए। यहाँ पे आप खा भी सकते हो, कैंटीन वगैरह भी अवेलेबल है। और अभी हम म्यूजियम के टूवर्ड्स जा रहे हैं, सो यू हैव टू टेक टिकट, वी आर गोइंग इनसाइड माया महल, तो यहाँ से अंदर जाना है। और
ये एक्चुअल म्यूजियम है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। हम लोगों ने पहले से म्यूजियम बहुत देखे तो हम लोगों ने ये स्किप किया। इसकी एंट्री फीस 100 रुपीज़ है। मुंबई वालों, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी तो देखी होगी, अभी देखो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी। मम्मा पढ़ली कल हम लोग को एक लेक पे लेके आए हैं एंड इट इज डैम ब्यूटीफुल लेक, यू शुड चेक आउट। वाओ, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एंड अवर डे राइट हियर नियर रंकाळा लेक एंड इट वॉज अ वंडरफुल डे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस ब्लॉग एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 एंड बाय। सो एज यू कैन सी इट्स रेनिंग हैवीली और मैं तो पहले से भीग चुकी हूँ क्योंकि मेरे में बहुत चर्बी है और देख सकते हो रेन अंडर रूफ इन द रेन और पीछे रंकाळा लेक है, बहुत जोर से बारिश आ रही है, ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा।